हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदुस्तान ड्राइव में। इंडियन कार कंपनीज के बनाए हुए तीन ऐसे कार्स जो उनके द्वारा बनाए गए पहले कार्स थे। लास्ट वाली कंपनी की कार तो दोस्तों पक्का आप भी रखते होंगे। नंबर तीन पर आती है टाटा। टाटा कंपनी की पहली कार थी टाटा सियेरा, जो 1948 सीसी डीजल इंजन के साथ आती थी, साथ में रियर व्हील ड्राइव में आती थी। साल 1991 में पहली बार इसको लॉन्च किया गया था और 2007 में टाटा द्वारा इसको डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। नंबर दो पर है मारुति। मारुति कंपनी की पहली कार इंडिया में मारुति 800 थी, जो 796 सीसी के इंजन के साथ आती थी और इसको मारुति वालों ने 1983 में लॉन्च किया था और देखते ही देखते 2014 में इसको कंपनी द्वारा डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया। नंबर वन को जानने से पहले, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। नंबर वन पर आती है महिंद्रा। महिंद्रा की पहली कार जीप थी, जो 2195 सीसी के डीजल इंजन के साथ आती थी और इसको महिंद्रा वालों ने 1954 में लॉन्च किया था और 2010 में इसको कंपनी द्वारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया। आपको ज्यादा थार पसंद है या फिर टाटा हैरियर, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।